मुहर्रम का त्यौहार मुसलमानों के लिए गम का त्यौहार माना जाता है। मुहर्रम के मौके पर नागपुर के मोमिनपुरा तकिया इलाके से मुस्लिम भाइयों की ओर से जुलूस निकाला गया। जुलूस में कई मुस्लिम भाई काले कपड़े पहनकर शामिल हुए थे। मोमिनपुरा तकिया इलाके से जुलूस निकाला गया है। मुहर्रम की 10 तारीख को पैगंबर हजरत इमाम और हजरत हुसैन शहीद हुए थे, इसलिए मुस्लिम समुदाय इस पूरे महीने को शोक के रूप में मनाता है। मेरा नाम तहजीब अली है, मैं नागपुर शहर का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र का। मैं दो लफ्ज मिसरे के बयान करता हूँ अशआर के, कि हजारों सर है नमाजे जिसे बचाती है, हजारों सर है नमाजे जिसे बचाती है, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। ये जुलूस अज़ा हमारे अय्याम अज़ा का, आशूरे के रोज का, और ये इंशाल्लाह मोमिनपुरा से निकलता हुआ अभी करबला जाएगा बैद्यनाथ चौक होते हुए, और दोपहर में 1:30 बजे जुलूस आगे बढ़ के जंजीरों कमजनी का मातम होगा। इंशाल्लाह हम तमाम मोमिनीन उसमें शिरकत फरमाएंगे और अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को और उनके जद अमजद को अपने उस मातम से पुरसा पेश करेंगे। जी शुक्रिया, जय हिंद। मैं नागपुर मोमिनपुरा से गुलाम हुसैन बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जुलूस आप देख रहे हैं अंजुमन जवानान रसानी की जानिब से निकला हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर की शिया जमात जो है वो इसको और उसके सभी अनुयायी जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम के, वो लोग देख रहे हैं आप सभी मातम कर रहे हैं, अपने सीनों पे हाथ बना रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जालिम के खिलाफ है और जालिम के खिलाफ है और मजलूम के फेवर में है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और करबला के शहीदों ने जो अपनी जान अजीज भी कुर्बान की, उसके पीछे आपका मकसद यही था कि हमेशा जालिम के खिलाफ रहो और मजलूम की मदद करते रहो। मैं आज एक मिसाल देता हूँ। आज अगर हमारे सामने 6 महीने का बच्चा लाया जाए और वो इस धरती धूप में उसको प्यास लगी रही तो हमारा क्या अमल होगा? हमारा अमल यही होगा कि हम उसे पानी पिलाए। लेकिन ये वाकया जो 61 हिजरी में हुआ है 1400 साल पहले, वहां ना यजीद के हामियों ने पानी दिया ना भूख और प्यास से जाबलब रहा, बल्कि वो जो 6 महीने का बच्चा था उसे 6-3 फलों के तीरों से उर्मला ने जख्मी कर दिया और वो शहीद हो गए। और ये आलम देख रहे हैं, उसके पीछे ताजिया है, उसी के पीछे जुलजना है, ये सब शबी है, वो यादगार मनाई जाती है, और आज हम उसी यादगार को मनाने के लिए निकले हैं। और ये जुलूस जो आप देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसमें तभी नागपुर के शिया जमात के सभी अफराद जो है कमोबेश हिस्सा ले रहे हैं और सब मातम कर रहे हैं, और ये शहीदों की शहादत है ये। और इसमें जो खुद इमाम नबी करीम जिनकी वजह से दीन आया, इंसानियत आई है, इस्लाम मुकम्मल हुआ है, उसके नवासे के साथ और उनके साथियों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत जारी रखा। मेरा नाम है खुर्शीद अली हैदरी, नागपुरी। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेंगी हमारे है हुसैन, हर कौम पुकारेंगी हमारे है हुसैन। और ये 4 मिसरे, हक की मिट्टी पलीद हो जाती, हक की मिट्टी पलीद हो जाती, अहले बातिल की ईद हो जाती, अहले बातिल की ईद हो जाती, सर कटाता ना सर अगर कटाता ना सर नबी का पेसर, अगर कटाता ना सर नबी का पेसर, सारी दुनिया यजीद हो जाती, सारी दुनिया यजीद हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC।